हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा जन सिपा होमियो क्यूर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल तोड़ खोरा यानी बॉयल के बारे में। यह क्यों होता है और इसका साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्यों होता है। हेयर फॉलिक्यूल्स, स्वेट ग्लैंड्स में स्टाफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ये होता है और इसका साइन एंड सिम्टम्स जो है वो जहाँ होता है वहाँ दर्द महसूस होगा, इन्फ्लामेशन रहेगी, टेंडरनेस रहेगा, छूने से गर्म महसूस होगा और अंदर मवाद भी होगी। दर्द के कारण फीवर भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे होम्योपैथी में बॉयल के लिए क्या क्या दवाई दिया जाता है उसके बारे में। सबसे पहले जो रखा है वो मेडिसिन का नाम है बेलोडोना। जब बॉयल होता है तब शुरुआती में आप बेलोडोना 30 दो बूंद 3-3 घंटे में पियेंगे तो शुरुआती में बॉयल ठीक हो जाता है। दोस्तों, बेलोडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बॉयल के लिए। नंबर दो में जो रखा है वो मेडिसिन का नाम है हिपरसल। सबसे पहले बात करेंगे हिपरसल लो पोटेंसी के बारे में। जब पज बन जाता है और दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, मवाद को बाहर निकलने के लिए हिपरसल 6C आप दो बूंद दो घंटे में पियेंगे तो दो दिन में ही ठीक हो जाएगा। हिपरसल 6 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों मवाद को ड्रेन करने के लिए। अब चलते हैं हिपरसल 200 कैसे लेंगे इसके बारे में बात करते हैं। जब मवाद निकल गई है, घाव को सुखाना है, सूख नहीं रहा, उस कंडीशन में हिपरसल 200 यूज़ करेंगे तो घाव बहुत जल्दी से भर जाएगा, ठीक हो जाएगा। यह मेडिसिन को आप दो बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को लेने से दोस्तों बहुत ही जल्दी से आपका घाव जो है वो ठीक हो जाएगा। हिपरसल 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बाल तोड़ के लिए। नंबर 3 में जो रखा है वो मेडिसिन का नाम है मार्कसोल। दोस्तों, मार्कसोल तब लेते हैं जब बेलोडोना और हिपरसल के बीच में जो कंडीशन होता है, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और हल्का मवाद भी बन जाता है, उस कंडीशन में मार्कसोल 30 दो बूंद दिन में 3 बार आपको यूज़ करनी है, सुबह, दोपहर और शाम। जब बेलोडोना काम नहीं करती है उस कंडीशन में भी मार्कसोल 30 यूज़ कर सकते हैं। मार्कसोल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बाल तोड़ के लिए। नंबर 4 मेडिसिन जो है वो है साइलेशिया 6X। दोस्तों, जब बॉयल में मवाद बन जाता है, वो ड्रेन नहीं होता है, निकल नहीं रही और घाव सूख नहीं रहा, ये दोनों ही कंडीशन में आप हिपरसल 6X 6-6 टेबलेट दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को यूज़ कर सकते हैं। साइलेशिया 6X घाव को सुखाने के लिए और पज को ड्रेन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपका लक्षण जो है उसके साथ मिला के ही लेना चाहिए और होम्योपैथी में लक्षण के आधार पर ही मेडिसिन दिया जाता है। लक्षण के आधार पर मेडिसिन को लीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपके शरीर में मेडिसिन असरदायक होगा।
कोई भी मेडिसिन लेने से पहले नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के साथ बात करके मेडिसिन को लेने से आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा, यानी ठीक रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और होम्योपैथी रिलेटेड और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।